ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में अपने बच्चे की बीमारी ने जॉन प्रकाश झा की मुस्कुराहट छीन ली और स्वीटी के क्लेफ्ट लिप का मुफ्त इलाज किया CBN ने। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयति जयति मम भारत जयति अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे जयते 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 मम भारत जयते 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 मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में समीर और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीमारी से छुटकारा पाने के बारे में। अक्सर हमने देखा है कि जब लोग बीमार होते हैं तो उनके दिल में या उनके आसपास कोई खुशी नहीं होती है, बल्कि उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। और जो इंसान बीमार होता है वो काफी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है। शायद आपके साथ ऐसा हुआ है, शायद आपका कोई करीब रिश्तेदार बीमारी से परेशान है। शायद वो आपकी बूढ़ी दादी हो, या आपका कोई परिवार का दूसरा सदस्य हो, या आपका नन्हा सा बच्चा हो, और आप इनकी पीड़ा और इनकी बीमारी को देखकर आप भी बहुत चिंतित हो गए हैं और आप निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आज हम आपको मिलाना चाहते हैं जॉन प्रकाश झा से। जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो ये बहुत ही खुश थे, लेकिन साथ ही साथ इनकी खुशी मायूसी में बदल गई जब इन्हें ये पता चला कि इनकी बेटी के दिल में छेद है। और उतना ही नहीं, इनकी बेटी को पीलिया ने भी जकड़ लिया था। लेकिन ऐसे में भी जॉन ने आशा नहीं छोड़ी और ये देखते हैं कि आगे इनके जीवन में क्या हुआ और इनकी बेटी को चंगाई कैसे मिली। मेरी शादी शुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरे बच्चे के जन्म होने के कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सोच कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जॉन अपनी बीवी के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। पहली बार माता पिता बनने जा रहे ये दोनों ही अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी उत्सुक थे। 9वें महीने पर हमने डॉक्टर के पास गए रेगुलर चेकअप के लिए। डॉक्टर ने हमें बुलाया और बोला कि जॉन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि किस कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के गर्भ, माँ के गर्भ में, वो डिस्चार्ज हो रहा था और इसके वजह से हमें आपकी वाइफ का या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर इमीडिएटली डिलीवरी करनी पड़ेगी। लेकिन जॉन ने डॉक्टर से कहा कि वो ऑपरेशन ना करें और डिलीवरी सामान्य तौर पर करवाने की कोशिश करें। 1 बजे रात के आसपास डॉक्टर हमारे पास आती है और बोलती है, जॉन हम लोग को ऑपरेशन करना ही करना है क्योंकि बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया और अब अगर लेट करें तो एक जन का को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने फिर भी बोला, डॉक्टर आप कतई परेशान ना हो, मुझे पता है कि ऑपरेशन नहीं होगा और डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी। जॉन को यीशु पर पूरा यकीन था और उनको ये विश्वास था कि वो हर एक बुरी परिस्थिति को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मुझे नहीं पता वो विश्वास कैसे आया, लेकिन वो विश्वास आया था। जब मैं आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, डॉक्टर करीब 2 बजे के आसपास हमारे पास आई और कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाई और बोली कि अगर कुछ भी हो जाता तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं। मैंने झटक से पेपर लिया और साइन कर दिया। फिर अपनी बीवी और बच्चे की सलामती के लिए जॉन ने यीशु से प्रार्थना करनी शुरू की। 4 बजे के आसपास लेबर पेन इंड्यूस किया। आई वांट टू थैंक गॉड कि जॉश वाज बॉर्न नॉर्मल विदाउट सीजरियन बाय 8:20। हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने बोला कि मैंने उसी वक्त ईश्वर को धन्यवाद दिया और मैंने बोला कि थैंक यू गॉड, धन्यवाद हो आपका जो ये चीज पॉसिबल किया जो डॉक्टर के सामने असंभव लग रहा था। और अगले दिन जब जॉन पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दिलवाने डॉक्टर से मिलने गए
एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने बोला कि हमने टेस्ट कर लिया और रिजल्ट में ये है कि आपके बच्चे के दिल में एक छेद है। मेरे लिए वो शब्द दिल में छेद ऐसा था जैसे मेरे दिल में छेद हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर डॉक्टर ने जॉन से कहा कि उनके बच्चे को पीलिया भी है। ये सुनने के बाद जॉन बेहद दुखी हुए। घर जाकर उन्होंने फिर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की, लेकिन दो दिनों के बाद उनको एक और बुरी खबर सुनने को मिली। डॉक्टर ने कहा कि जॉन इंस्टेड ऑफ गेटिंग जॉइंडिस सही होने के बजाय इज गॉन वर्स, और अगर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ जो कि जिसका बहुत हाई चांस है विल हैव टू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर मैं वापस चर्च आया, मैंने वापस दुआ की एंड आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड लाइक अ बेबी आई क्राइड। मैं रोया, इतना रोया जितना शायद ही कभी अपनी जिंदगी में रोया था। मैंने दुआ की। अपने बच्चे के लिए जॉन रात भर यीशु से प्रार्थना करते रहे। इतने बिगड़े हालातों के बावजूद भी उनको पूरा यकीन था कि यीशु उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब जरूर देंगे। और अगले दिन जब जॉन डॉक्टर से मिलने गए, एंड देन द लेटर डॉक्टर सेड कि जॉन तुम्हारे बच्चे का जॉइंडिस आश्चर्यपूर्वक चला गया है, इट हैज कम टू नॉर्मल स्टेज, एंड ऑल्सो जो तुम्हारे बच्चे के दिल में जो छेद था वो भी इट हैज कम टू नॉर्मल स्टेज, एंड इन नेक्स्ट वन आवर यू कैन टेक योर बेबी एंड योर वाइफ बैक टू होम। जैसे ही जॉन ने ये बात सुनी, उनको एहसास हो गया कि यीशु ने उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया था और उनके बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया था। बदले में यीशु को धन्यवाद देने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। They were spellbound. I was spellbound with happiness. मुझे पता नहीं कि मैं अपनी खुशी का कैसे इजहार करूं। मैंने उसी वक्त प्रभु का धन्यवाद दिया और जब मैं वापस अपनी बीवी के पास आया, मैंने बोला कि हम लोग घर जा सकते, बच्चा सही सलामत है। वी बोथ ऑफ अस थैंक गॉड, वी नेल्ट एंड वी थैंक गॉड फॉर ऑल द गुडनेस दैट ही हैज डन इन आवर लाइफ। जॉन का बेटा जोशुआ आज 2 साल का हो चुका है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बात के लिए वो और उनकी पत्नी यीशु के शुक्रगुजार हैं। आज वो जान चुके हैं कि भविष्य में उनके साथ चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, यीशु उनको उनकी हर एक परेशानी से बचाकर उन्हें आशीषित करते रहेंगे। मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में मेरे अंदर काम किया है, मेरे बच्चे के लिए काम किया है जो कि ऑलमोस्ट ही वाज इन द डेथ बेड, ही हैड वर्क्ड इन हिज लाइफ एंड इज हेल्दी एंड फाइन। वो आज बिल्कुल भला चंगा है। अगर वो मेरी प्रार्थना सुन सकता है, जो अगर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रार्थना सुन सकता है, तो श्योर कि अगर आप उसको स्वीकार करके ग्रहण करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें तो आपकी ये प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम मरीज के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो वो चंगाई पाते हैं। यीशु के शिष्य भी कई लोगों के पास गए, प्रार्थना किए और हर एक मरीज चंगा हो गया। जॉन प्रकाश झा ने भी वैसे ही किया। उसने अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना किया और वो चंगाई देखा। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मैं महत्वपूर्ण नहीं, अशीमा महत्वपूर्ण नहीं, जॉन प्रकाश झा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है यीशु का नाम जो सामर्थ्यशाली है। उस नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाई पाते हैं। हमारी प्रोत्साहन है कि आप भी अपने परिवार वाले के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चंगाई यीशु के नाम में है। समीर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यीशु के नाम से जब हम कुछ मांगते हैं, विश्वास के साथ मांगते हैं, तो वो हमें चंगाई देता है। अगर आपका कोई प्रियजन या आप किसी बीमारी से परेशान है तो आप निराश ना हो, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक आशा है और वो हमने आपको भी बताया। अगर आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में भी यीशु वैसे ही कार्य करेगा जैसे उसने प्रकाश झा के जीवन में किया। और उसकी बच्ची पूरी तरीके से चंगी हो गई। ना सिर्फ उसको पीलिए से राहत मिली बल्कि उसका दिल का छेद भी धीरे धीरे भर गया। हम चाहेंगे इस समय आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। अगर उनको या उनके रिश्तेदार को कोई बीमारी है तो आज वो आशा ना छोड़ें और परमेश्वर में अपनी आशा को बांधें। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार जो बीमार है, मैं चाहता हूं कि आप इस समय यीशु में विश्वास करके आप मेरे साथ सहभागी बनिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो चंगाई पाएगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
यीशु मसीह धन्यवाद, तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे नाम में सामर्थ्य है। तूने कहा प्रभु कि मरीज के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो और वो चंगाई पाएंगे। इस समय हम मांगते हैं हर एक दर्शक के लिए और उनके रिश्तेदार या दोस्त के लिए जो बीमार हैं, हम मांगते हैं हर एक के हृदय में तू एक विश्वास डालेगा, यीशु तेरे नाम में विश्वास डालेगा जिस नाम में चमकाई मुमकिन है। और हम मांगते हैं प्रभु तेरे नाम से इस वक्त हर एक जो बीमार है प्रभु तेरे स्पर्श को चखेगा और चंगा हो जाएगा यीशु, क्योंकि तेरे नाम में वो सामर्थ है। आ परमेश्वर, जैसे तूने प्रकाश झा के जीवन में किया वैसे ही हर एक परिवार में जहां बीमारी है प्रभु, हम मांगते हैं इस समय तू चंगाई लेकर आएगा, राहत लेकर आएगा, आशीष लेकर आएगा यीशु, हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमेन। दोस्तों, आप खास हो अगर आपने यीशु में विश्वास किया है, आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। अगर आपकी कहानी भी जॉन प्रकाश झा की तरह है तो उसे हमें जरूर बताइए, हम आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी कहानी और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी प्रेरित हो सके। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है तो उसे अपने तक सीमित ना रखें, उसे और लोगों को बताएं ताकि उन्हें भी आशीष मिल सके। अगर आप अपनी कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं cbnindia.tv पर, या आप खत और ईमेल के द्वारा भी अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, हम आपसे दोबारा मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे स्वीटी का मुफ्त ऑपरेशन किया CBN ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। सुशीला और प्रशांत अपने परिवार की पहली बेटी के आने से पहले बहुत उत्सुक थे, लेकिन उनकी खुशी दर्द में बदल गई जब उनको पता चला कि उनकी बेटी स्वीटी का जन्म क्लेफ्ट लिप के साथ हुआ है। माता पिता दोनों चाहते थे कि उनकी बेटी जो है दूसरे बच्चों के साथ एक नॉर्मल जीवन जी सके, लेकिन यह मुमकिन तभी था जब वो ऑपरेशन करा सके, लेकिन उनके पास तो ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। इस निराश परिवार की मदद करने के लिए पहुंची CBN की टीम। आइए देखते हैं कि CBN की टीम ने स्वीटी की मदद कैसे करी और उनके माँ बाप को राहत दी। प्रसव के बाद जब मैंने आंखें खोली और अपनी बच्ची की तरफ देखा तो मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो केवल आप में ही आस्था रखती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुशीला और उनके पति प्रशांत दो लड़कों के बाद एक लड़की पाने की ख्वाहिश रखे हुए थे। उनका ये सपना एक बेटी के जन्म के साथ ही पूरा हो गया, पर जब उन्होंने बच्ची को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे दूध पीने में काफी परेशानी होती है और मुझसे उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। दूध पिलाने के दौरान दूध उसकी नाक से बाहर आ जाता है, दूध पीते समय उसे सुकून महसूस नहीं होता। स्वीटी जन्म से ही कटे हुए होंठ की समस्या से ग्रस्त थी, जो लाखों बच्चों में से किसी एक के साथ होता है। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर सुशीला और प्रशांत चिंता में पड़ गए। मुझे उसकी शादी और भविष्य को लेकर चिंता भी हुई और दुख भी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप फला जगह जाएंगे तो इस दिक्कत का हल निकल आएगा। मैं कई जगहों पर गया लेकिन मुझे इसका कोई समाधान नहीं मिला। ये दंपति जानते थे कि स्वीटी सिर्फ एक सर्जिकल ऑपरेशन से दूसरे बच्चों की ही तरह सामान्य हो सकती थी, पर आर्थिक दिक्कतों के कारण वो खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। अपनी बेटी की तकलीफें देखकर उनका मन बहुत दुखता था। स्वीटी के साथ समस्या ये है कि अगर हम इस कमी को दूर नहीं करेंगे तो उसे और बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी। एक समस्या है खुराक लेना, दूध पीना, और दूसरी समस्या है बोलने में दिक्कतें, और तीसरी है दांतों का सही तालमेल। इसके कारण उसे बार बार कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर श्रीनिवास के जरिए प्रशांत को पता चला कि CBN जन्म से ही ऐसी खामियों वाले बच्चों के इलाज के लिए मेडिकल मदद मुहैया कराता है। वो हर तरफ से निराश होकर CBN के पास आए। वो वहाँ मदद के लिए आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि कोई उनकी बेटी की सर्जरी में उनकी सहायता करे।
जब मैंने CBN के बारे में सुना और अपनी समस्या उनके सामने रखी तो वो सहमत हो गए, जिससे मुझे कुछ राहत मिली। डॉक्टर से सलाह मशवरा करके सर्जरी की तारीख तय की गई। सर्जरी वाले दिन स्वीटी के माता पिता बेहद चिंतित थे, पर CBN ने प्रेयर के जरिए उन्हें ढाढ़स बंधाया। स्वीटी के लिए हमने सोचा है कि पहले ऑपरेशन में हम बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरे चरण में हमारी योजना कटे हुए तालू को ठीक करने की है। अभी हमने पहले चरण की सर्जरी की है। सर्जरी कामयाब रही और 3 हफ्ते की चंगाई के बाद स्वीटी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फिर नजर आने लगी। CBN के कारण सुशीला और प्रशांत के चेहरों पर भी खुशी झलकने लगी। स्वीटी के भविष्य को लेकर उनके सपने फिर जाग उठे और अब स्वीटी अपनी जीवंत आंखों और मुस्कुराते होठों से बहुत कुछ बोलती लगती है। अभी अभी आपने देखा किस तरह CBN ने स्वीटी के क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन मुफ्त में कराया। अगर आपके परिवार में ऐसी समस्या है या अगर आप किसी और को जानते हैं जिनको क्लेफ्ट लिप की इस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम उनको मदद करना चाहते हैं, हम उनका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। इसी तरीके से CBN और कई सारे कार्य करता है ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। दोस्तों, जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके, तब आप CBN के पार्टनर बन जाते हैं और हम अपने सभी पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अनुदान के जरिए लोगों को एक नई जिंदगी मिल रही है, उनका जीवन बदल रहा है, उनको जीने की नई आशा मिल रही है। ये सब कुछ हो पाता है क्योंकि आप हमारा साथ देते हैं और आप हमारी मदद करते हैं। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, अपना अनुदान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप CBN फाउंडेशन के नाम पर अपना चेक, DD या मनी ऑर्डर इस पते पर भेज सकते हैं। CBN फाउंडेशन, पीसट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक C, सुशांत लोकवान, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 12200009, इंडिया। हम अपने सभी पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं। जब आप अपना अनुदान हमें भेजते हैं, तब आप CBN के पार्टनर बन जाते हैं और इसीलिए हम अपने सभी पार्टनर्स को देना चाहते हैं ये DVD, जिसका नाम है लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव, यानी मृत्यु के उपरांत जीवन। इसमें आप कई लोगों की बातचीत देख पाएंगे, साथ ही साथ उनके अनुभव हैं जीवन और मृत्यु के बारे में, और शायद आपके भी कुछ सवाल होंगे जीवन और मृत्यु के बारे में, शायद उनके उत्तर आपको इस DVD में मिल जाएं। अगर आप इस DVD को मंगवाना चाहते हैं जब आप हमारे पार्टनर बनते हैं और आप हमारे प्रिय एजेंट से बात करते हैं, तब आप उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव ये DVD चाहिए और वो DVD हम आपको ज़रूर भेजेंगे। अभी समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपके भेजे ईमेल्स और SMS पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद। आचार की प्रार्थना की ओर ध्यान करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। अभी हमने देखा किस तरह प्रार्थना में सामर्थ है। जॉन प्रकाश झा ने प्रार्थना किया और उत्तर मिला। वैसे ही कई लोग हमें SMS और ईमेल भेजते हैं, वो चाहते हैं कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करें। अनीता ने हमें ये लिखा है और वो कहती हैं कि उनकी माँ बहुत बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, पिछले 2 महीने से वो अस्पताल में है और वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। अनीता, हम आपकी माँ के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि वो चंगी हो जाएं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ SMS भी आए हैं और ये पहला SMS हमें भेजा है सरा ने, और वो लिखती हैं कि उनके हस्बैंड को कैंसर है, उसके लिए वो चंगाई की प्रार्थना चाहती हैं। और सुष्मिता ने एक SMS भेजा है, वो लिखती हैं कि उनकी मम्मी बहुत बीमार है, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है, उसके लिए वो प्रार्थना को चाहती हैं। तो सरा, सुष्मिता और अनीता, हम आपकी मम्मी के लिए और आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारा प्रार्थना का विषय भी बीमारी से चंगाई के बारे में है, तो हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास के साथ
हमारे साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं जिन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, सैरा और सुष्मिता के लिए प्रभु। सैरा लिखती हैं कि उनके हस्बैंड को कैंसर है, उसके लिए वो प्रार्थना मांगती हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सैरा के साथ हो, उनके हस्बैंड के साथ हो प्रभु, इनको उनको धीरज दें प्रभु, ताकि वो पेशेंस के साथ परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम का जो वो सामना करती हैं प्रभु, उसमें वो पेशेंस को ना खोएं प्रभु। और इस वक्त हम उनके हस्बैंड को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, होने दें कि उनको चंगाई मिल सके प्रभु। वो नहीं लिखते हैं कि कैंसर उनको किस तरीके का कैंसर है प्रभु, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हर तरीके की बड़ी से बड़ी बीमारी को चंगाई दे सकते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनके हस्बैंड के साथ हो और उनको एक तंदुरुस्त शरीर से ब्लेस करें प्रभु। हम साथ ही साथ प्रार्थना करना चाहते हैं सुष्मिता के लिए प्रभु। प्रभु इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। परमेश्वर आप इनकी मम्मी के शरीर को इस समय छुएं और होने दे परमेश्वर की वो चंगाई जो केवल और केवल आपके द्वारा मिलती है प्रभु, वो इनकी मम्मी को मिल सके प्रभु। ये दोनों परिवार विश्वास में आगे बढ़ सके और अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए आपसे प्रार्थना करते रहें प्रभु। और हम ये विश्वास से मांगते हैं प्रभु कि आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें जरूर देंगे प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम अनीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अनीता के माँ के लिए खासकर हम इस वक्त मांगते हैं प्रभु, जो अस्पताल में है, पिछले 2 महीने से कैंसर की बीमारी है प्रभु। हम जानते हैं यीशु के तेरे नाम में वो सामर्थ्य, और इस वक्त हम मांगते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि अनीता की माँ के शरीर से कैंसर निकल जा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद कि वो अधिकार प्रभु तेरे नाम में है जो बीमारी भाग जाती है प्रभु। और हम इस समय कहते हैं कि उस शरीर से कैंसर निकल जाए, चंगाई लेकर आ, पूरे परिवार में तेरी शांति भी लेकर आ यीशु मसीह। हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। यीशु के नाम में बहुत सामर्थ्य है, हर बीमारी के ऊपर वो राजा है और वो चंगाई ले आता है। अगर आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं, आप हमसे एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और इसे मंगवाने के लिए या तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर cbnindia.tv पर, या फिर आप SMS के द्वारा हमसे ये न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NH, अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, और अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप लिख सकते हैं NE और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, और उसे भेज दें 9910401010 पर। आज हमने देखा कि किस तरह जॉन प्रकाश झा की जिंदगी में आशीष आई, यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है, प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। हमने ये भी देखा कि CBN की टीम किस तरह स्वीटी के क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन मुफ्त में कराया। परमेश्वर की भलाई चारों तरफ फैल रही है और CBN की टीम वो फैलाना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और देखें कि परमेश्वर का कार्य किस तरह फैलता रहता है। अगर आप इस चंगाई देने वाले पिता के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे प्रे एजेंट से बात कर सकते हैं। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर आप हमें तुरंत फोन करें और इसी समय हमारे प्रे एजेंट से आपकी बात हो सकती है। हमारे प्रे सेंटर खुले रहते हैं, आप किसी भी वक्त हमें फोन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, हमें आपके कॉल का इंतजार है। अब आप हमें इजाजत दीजिए, इस कार्यक्रम का समाप्त होने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले हम आपको ये याद दिलाएं, प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए और आप बड़ी आशीष और चमत्कार को चखते रहेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।